व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू श्रेलोर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, वन डे आई वॉन्ट टू ऑनेस्टली से आई मेड इट। यानी कि अगर आप लोग लाइफ में अपना टारगेट रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये जरूर होता होगा कि यार एक दिन काश में भी ये बात बोलो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, हाँ मैंने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, हाँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये हर एक इंसान की इच्छा होती है, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कभी कभी याद करते हैं, प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। अगर आप लोग अपनी लाइफ का एक थंब रूल बना ले कि एक बार मॉर्निंग में सुबह उठते ही और एक बार बेड पर जाते हुए आप लोग अपने टारगेट को याद करेंगे, तो देखिए आप लोगों का जो टारगेट है वो हमेशा आप लोगों के माइंड में घूमता रहेगा। और जितना माइंड में आप लोगों का टारगेट आप लोगों के माइंड में घूमेगा उतना ही आप लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ये तो पता होता है कि हम लोग को पढ़ना है, पर लेकिन किसके लिए पढ़ना है वो हम लोग नॉर्मली याद नहीं रख पाते हैं। बस हाँ कि आज ये चैप्टर खत्म करेंगे वो करेंगे। अगर डेली आप लोग जो पढ़ रहे हैं माइंड में ये चलता रहे कि हाँ हम लोग को ये करने के लिए पढ़ना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, अपना बैंक का एग्जाम निकालना है, सीजीएल एसएससी जो भी आप लोग करना है, तो अगर आप लोग उसको अपने माइंड में घुमाते रहेंगे तो देखिए आप लोगों के अंदर से और ज्यादा एनर्जी निकल के आएगी, आप लोग और ज्यादा कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को वो चीज दिख रही होगी जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं। पर लेकिन जब आप लोग उठते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं आप लोग क्या करते हैं, बस किताबों को देखते हैं, आप लोगों को बोरिंग लगने लगती है, कभी पढ़ पाते हैं तो कभी नहीं पढ़ पाते हैं। जब भी पढ़ने में मन न लगे अपने टारगेट को देखो, जब भी कुछ करने का मन न करे अपने टारगेट को देखो, जब भी दिमाग इधर उधर भागे तो अपने टारगेट को देखो। टारगेट आप लोगों के एक तरीके से मैं बोलूं तो आप लोगों की नसों में घूमना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में हर टाइम आप लोगों का टारगेट रहना चाहिए, फिर देखो कैसे मन नहीं करता है पढ़ने का। कौन बोल दे कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पर लेकिन भूल जाते हैं इसलिए मन नहीं करता है। तो ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, फिर देखो कितना आसान बन जाता है आप लोगों को चीजों को करना। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन ही है, थाईलैंड जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। इसी के साथ में देखते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से, दोनों के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आंसर राइटिंग लिंक जहां पर आप लोग आंसर लिखते हैं वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ में देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोगों का काफी ज्ञानवर्धक करने वाले हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहां पर जो बात की जा रही है, ये अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, उसके बारे में आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से पलटी मार दी गई अपनी स्टेटमेंट से, उनके द्वारा बोला गया है कि जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है तालिबान के साथ में बात करने वाली, वो अभी उसको सस्पेंड करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन बनकर आती है। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये अमेजन फॉरेस्ट में जो आग लग रही है उसके बारे में बात की जा रही है, नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, और खासकर बैकग्राउंड में रखा जा रहा है प्रेजेंट सिनेरियो जो अभी इंडिया और रशिया के बीच में समिट देखने को मिली, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल यहां पर, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये बात की जा रही है आईएएस एकेडमी के बारे में मसूरी के, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। आप लोग अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को मोटिवेशन भी देगी, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यहाँ इंडिया और रशिया के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि कई सारे डिस्प्यूट इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसी के साथ में कुछ बातें आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी जानने को मिलने वाली है। डेटा पॉइंट है यहाँ पर, इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है फिर से जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो बातें की जा रही है इसके बारे में आप लोगों को यहीं पर ही बता देता हूँ। बेसिकली आर्टिकल 370 हटाया गया हमारी कंट्री में 5 अगस्त को, तो 370 आर्टिकल आप लोगों ने हटा लिया, पर लेकिन एक्चुअल में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आर्टिकल आप लोग पेपर पे से तो हटा देंगे, पर लोगों के दिमाग में से कैसे हटाएंगे, तो उसी को ये अलग तरीके से समझा रहे हैं थोड़ा सा। क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया एक लैंड का पीस है यानी कि एक जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा आप लोग काफी लंबे समय तक ऐसे ही छोड़े रखिए तो इस जमीन के टुकड़े पर आप लोगों को छोटे छोटे पौधे नजर आने लगेंगे, ठीक है, कीट पतंगे आप लोग घूमते हुए नजर आने लगेंगे, ग्राउंड पर घास उगने लगेगी। और अगर आप लोग इसको लंबे समय तक छोड़े रखे 50-100 सालों तक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फॉरेस्ट उगकर खड़ा हो जाएगा, यानी कि एक जंगल खड़ा हो जाएगा यहां पर उगकर, जबकि वहां पर किसी ने पेड़ नहीं लगाया, किसी ने घास नहीं लगाया, वहां पर किसी ने बाहर से लाकर कोई कीट पतंगे नहीं छोड़े। ये एक नेचुरल होता है, नेचुरली फॉरेस्ट अपने आप बनते हैं, पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं और दूसरी जगह पर पेड़ लगाने की बात करते हैं कि हाँ यहां से काट देते हैं कहीं और लगा देते हैं, तो क्या वो एक नेचुरल फॉरेस्ट रहेगा? नहीं, वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं रहने वाला है, वो आप लोगों को एक तरीका अलग तरीका पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि जो वनस्पति यहां पर है, जो जीव जंतु यहां पर है, जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट यहां पर इनके द्वारा इकोसिस्टम तैयार किया गया है, वो आप लोगों को दूसरी जगह बिल्कुल उसी पैटर्न का नजर नहीं आएगा जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि यहां से पेड़ काटकर वहां पर लगा देते हैं। कुछ ऐसी बात यहां पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, आर्टिकल 370 आज की बात तो है नहीं, वहां पर काफी पुराना है,
आजादी के बाद में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो जब से यहां पर आर्टिकल 370 है तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक फॉरेस्ट की तरीके से यहां पर इस एनवायरमेंट में बढ़ा। इस एनवायरमेंट में जो लोग रह रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे थे। और आज के डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे पेड़ काटकर बोल दिया कि कहीं और जाकर पेड़ लगा दो। तो यहां पर आप लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, बात कर रहे हैं यहां पर इंप्लॉयमेंट की, बात कर रहे हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने की। तो ये सारी तमाम जो बातें आप लोग कर रहे हैं और वो भी उस टाइम पर कि लोगों को एक तरीके से यहां पर सप्रेस कर लोगों को उनको कॉन्फिडेंस में ना लेकर आप लोग ऐसा काम करें तो ये एक गलत तरीका है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। पर लेकिन मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा आर्टिकल ऐसे कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को यहां पर एक न्यूट्रल स्टैंड अपना लेना है एग्जाम में, वरना एग्जाम में कभी भी आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। जिस तरीके से वहां पर इतने दिनों से आर्टिकल 370 है तो क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या जिस पर्पज के लिए आर्टिकल 370 था वहां पर क्या उस पर्पज को सिद्ध कर पा रहा था, स्पेशल स्टेटस तो था, क्या वहां पर डेवलपमेंट हो पा रहा था, क्या वहां पर पाकिस्तान की साइड से जो एक्टिविटी उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी वो रुक पा रही थी, क्या इतना अच्छा एजुकेशन लेवल है वहां पर, क्या लोगों को वहां पर प्रॉपर इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजों की रोजी रोटी लोगों की सही चल रही है वहां पर, हेल्थ की सर्विस सारी अच्छी है वहां पर। तो वो चीजें अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें अप टू द मार्क नजर नहीं आएगी। तो आर्टिकल 370 जो हटाया गया, अब बोलते हैं कि यहां पर डेवलपमेंट करना है, तो क्या हम लोग आर्टिकल 370 हटाने के बाद में प्रॉपर वो डेवलपमेंट कर पाएंगे जो अब तक नहीं हुआ है? अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर भी आर्टिकल 370 हटाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोनों में बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है एग्जाम में, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं। वैसे बहुत सारे आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को हटाकर एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। दो यूनियन टेरिटरी अभी यहां पर हो गई है, एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख वाला रीजन। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। और बेसिकली जो ये मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया है, ये आप लोग एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकते हैं और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो हमारा कल्चर जो डिस्ट्रक्शन होता है कई बार वो भी कुछ ऐसे ही पैटर्न होता है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आज के डेट में हम लोग क्या करें, लोगों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाकर रख देते हैं कि यहां पर आप लोग क्या करेंगे, सोसाइटी डेवलप करेंगे। पर लेकिन वो इतना आसान नहीं होता है। देखिए जिस पड़ोस में जिस मोहल्ले में रहते हैं आप लोग उसकी गली गली जानते हैं, आप लोग को वहां फील आती है। आप लोग आज भी सिटी में रह रहे हैं, कहीं आप लोग देखेंगे कहीं गांव में अपने जाएंगे जहां से आप लोग कई सालों से बाहर रह रहे हैं, तो आप लोग एक अलग तरीके की फीलिंग आएगी, एक अलग तरीका सुकून देखने को मिलेगा। अपने गांव में जाओगे, अपने खेतों में घूमोगे, उन गलियों में घूमोगे, भले किसी से बात ना करो, आप लोग वहां पर जाकर अगर बैठोगे भी ना तो आप लोगों को सुकून मिलेगा। तो ये होता है अपने पर्टिकुलर कल्चर में जाकर रहना, ये होता है अपने पर्टिकुलर लोकल एरिया में जाकर रहना। तो इस तरीके से यहां पर इसको बोलने की बात की जा रही है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, एक एक कर नजर डालते हैं। चलिए पहले एक छोटी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं। आप लोग बात करते हैं आईएएस की तैयारी करने के बारे में, तो कुछ बातें आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस तरीके की बातें कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं कि हाँ भैया ये क्या है, इसके बारे में बताओ, क्या आप लोगों को रियली पता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर ली, तो कोशिश करो कि पीजी जो आप लोग करनी है वो टारगेट आप लोग कुछ अच्छा होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन तो आप लोगों ने कर ली, जहां से भी करी है, अच्छी बुरी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन सिस्टम जहां से भी आप लोगों ने करी है, कोई बात नहीं है। पर लेकिन जो पीजी है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप लोग करने की कोशिश करो, कहां से, वो आईएएस जो अकेडमी है वहां से। यहां से अगर आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो आप लोगों को एमए की डिग्री मिलेगी। एक तो एमए की डिग्री वो है जो आप लोग नॉर्मल करके लेते हैं, ये वाली एमए की डिग्री है जो आप लोगों वहां पर मसूरी से मिलेगी। और ये जो डिग्री दी जाती है ये यहां पर जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली, इसके द्वारा यहां पर ये मैनेजमेंट की डिग्री एमए की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो कैसा रहेगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसा रहेगा ये पीजी, कैसा रहेगा ये पोस्ट ग्रेजुएशन जहां पर आप लोगों जो डिग्री है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, जो कि मसूरी में एस्टेब्लिश किया गया था 1959 से। ये वीडियो को पॉज के एक मिनट के लिए सोच के देखो। एक तो नॉर्मल तरीके से आप लोग एमए कर रहे हैं किसी ऐसे वैसे कॉलेज से, स्कूल से जाकर, किसी भी कॉलेज से जाकर, तो आगे एक आप लोग यहां से एमए की डिग्री ले रहे हैं, तो कैसा रहेगा ये एमए की डिग्री, यहां से पीजी की पीजी हो जाएगी और आईएएस के आईएएस बन जाएंगे। तो कैसा लग रहा है सुनने में, अपनी फीलिंग आप लोग बता सकते हैं। और कितना बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट ये है, देखिए टारगेट आप लोगों के हमेशा ना दिमाग में घूमता रहना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया, उसमें आप लोगों को जरा सी भी एक ढिलाई नहीं बरतनी है, जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है, उसको आप लोगों को एकदम जो भी जान सकते हैं, मतलब वहां पे कैसा खाना मिलता है, किस तरीके से वहां पर आप लोग जाकर रहने वाले हैं, मतलब उसके बारे में क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर, वाओ यार ये होने वाला है इस तरीके से, देश के लिए वाओ यार ये करने हैं हम लोग जाकर, ये मुझे चेंज करना है। आप लोगों को आज ही पता होना चाहिए कि क्या क्या मैं चेंज करने वाला हूं जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहूंगा या रहूंगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग परसेप्शन अभी क्रिएट कर लेंगे तो उस टाइम पर जाकर आप लोगों के लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। और यही चीजें आप लोगों को इंटरव्यू में इतना फायदा करेंगे, आप लोग यकीन मानिए इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेंगी। अपनी हॉबीज क्या है ये आप लोग अभी से बना लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, कम से कम आप लोगों को मोटो यहां पर पता होना चाहिए, जिसका मतलब है यहां पर योग कर्मासु कौशलम, यानी कि प्रोफेंसी इन द एक्शन इज योगा, ठीक है।
तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और अकेडमी सॉन्ग तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब भी आप लोग कोई वीडियो देखते हैं तो ये आप लोगों को गाना सुनने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ये है कि आप लोगों को फेथ, आप एक तरीके से बी फिम इन योर फेथ एंड क्रेजियस इन योर एक्शन। देखिए आप लोग जैसा सोच के चलते हैं ना, ऐसा इन्वायरमेंट वहां पर मिलने वाला नहीं है कि हाँ हम लोग जाएंगे एक लाल बत्ती गाड़ी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। और कोई भी चीज किसी पर्पज के लिए फेमस होती है, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। और ये जॉब नहीं है, ये एक तरीके से आप लोगों को एक वे ऑफ लाइफ यहां पर देखने को मिलने वाला है जो कि कंप्लीटली चेंज कर देगा। अगर आप लोग इसको एज ए जॉब की तरीके से जाकर जा रहे हैं कि आप जॉब करेंगे और भागाएंगे तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। यहां पर पूरा पैटर्न आप लोगों को अलग नजर आएगा। यहां पर एक फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट किया गया 1960s में। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये आप लोगों को बताएगा बेसिकली गवर्नेंस के बारे में, सिविल सोसाइटी के बारे में। तो यहां पर एक तरीके से इंटरेक्शन भी होगा आप लोगों का, जो बेसिकली लोग आप लोग यहां पर रहेंगे जो भी आएंगे। तो ये एक तरीका ऐसा क्रिएट किया गया कोर्स जो यहां पर बेसिकली आप लोग एक सही पर्सन बनाकर वहां से निकालेगा। इसी के साथ में कई सारे 5 रिसर्च सेंटर भी बोले गए यहां पर, जो रूरल स्टडी यानी कि गांव में कैसा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसकी स्टडी करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्या है यहां पर, इसी के साथ में जेंडर पब्लिक जो यहां पर सिस्टम मैनेजमेंट है उसके बारे में, और लीडरशिप डेवलपमेंट यहां पर, और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट भी आप लोगों का देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। तो सिविल सर्वेंट जो है एक तरीके से कैसे इंटीग्रेटिव बन पाते हैं, कैसे इफिशियंसी उनकी रहने वाली है, खासकर एक पावर प्ले और करप्शन इन्वॉल्वमेंट में जाकर आप लोग रहेंगे तो वहां पर किस तरीके से आप लोग अपनी इंटीग्रिटी को बचा पाते हैं। और यहां पर फिर मैं वही एक बात बोलूंगा, कम से कम अगर आप लोग यहां से पढ़कर जा रहे हैं एसएलवी फैमिली से कम आप लोग जाकर, ये तो प्रण आप लोगों को लेना ही है कि कभी जाकर करप्शन आप लोग नहीं करेंगे। अपनी जो लाइफ है वो एक तरीके से ऐसे जिएंगे, देखिए एक तरीके से थोड़ी देर के लिए पैसा कमा लेंगे, थोड़ी देर के लिए वो आप लोग खुशी देगा, पर लेकिन जो आप लोग अपना करेक्टर बनाकर चलेंगे ना कि हाँ नाम से ही लोग जाने कि हाँ ये इंसान वो इंसान है, तो उसका एक अलग ही मजा होगा। हर टाइम आप लोगों को मोटिवेशन देखने को मिलेगा, हर टाइम आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो एक तरीके से लाइफ जीने का असूल बनाइए कि कभी भी अपने जो आप लोगों ने रूल और रेगुलेशन लाइफ में खुद के लिए अपने बनाए हैं वो कभी किसी के सामने डिगने नहीं है, वो कभी किसी के सामने हिलने नहीं है। अगर ऐसे आप लोग अपने खुद के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन पर चलना स्टार्ट कर दोगे तो फिर लोग आप लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से तो देखिए डिफरेंस नजर आता है। कोशिश कीजिए अपनी खुद के लाइफ के जीने के रूल बनाइए, जो करना है वो करना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम कितनी मुसीबत क्यों ना हो, तो ऐसे आप लोग अपनी लाइफ जीनी है। ओके, तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये बात कर रहे हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अभी रिसेंटली देखिए क्या हुआ है, अभी तालिबान के द्वारा एक अटैक किया गया और उस अटैक में यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिली और यहां पर यूएसए का एक जवान भी यहां पर शहीद हो गया। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप सर के द्वारा काम क्या किया गया, बोला गया कि तो तालिबान के साथ में जो बात चल रही है वो अब ये बात कंटिन्यू नहीं रखेंगे। और ये पता है कहां से बात पता चली है, इनके ट्विटर से पता चली है। जो इनके ट्विटर को फॉलो कर रहा है उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो इनके सारे जो भी स्टाफ के एम्प्लॉय हैं उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, उनको बोला कहोगे ट्विटर फॉलो कर लेना, वहां पे आप लोगों को सारे आदेश मिलते रहेंगे। तो यहां पर एक तरीके से जो आज के दिन में नेगोशिएशन चल रही थी तालिबान और यहां पर ये यूएसए के बीच में, तो ये नेगोशिएशन इन्होंने अभी रोक दिया टेम्परेरी। पता चला कब तक रोकेंगे, टेम्परेरी है या फिर लंबे समय तक होने वाली है वो देखने की बात मिलेगी। दो बातों पर काफी बड़ा फोकस था इस नेगोशिएशन में, एक तो यूएसए के ट्रूप जो है आज के दिन में अफगानिस्तान के अंदर उनको बाहर निकालना है, दूसरा तालिबान से यहां पर ये एश्योरेंस लेना है कि तालिबान जो है वो अपनी जमीन को यूज नहीं करेगा कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, खासकर यूएसए को तो टारगेट कभी नहीं करेगा। ये बात यहां पर देखने को मिली और ये सारी बातें यहां पर चल रही हैं और साइड ही साइड में बम्बार्डमेंट हो रही है, साइड ही साइड में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि ये कंडीशन ऑलरेडी जो बात करने से पहले इनके द्वारा क्लियर कर ली गई थी, जो स्टार्टिंग में देखिए पाकिस्तान जो है ना यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करता है पहले से ही। जब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि तालिबान यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा पनपा हुआ एक ऐसा आज के में मीडियम बन गया जिसका पाकिस्तान फायदा उठाता है अलग अलग तरीके से। पहले तो बात करते थे कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ में तालिबान की बात कराते थे तो ये यहाँ पर एक मीडियम प्रोवाइड कराते थे, आज के में यहाँ पर ये तालिबान ये यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट साइड में हट गई है, अब यहाँ पर यूएसए आकर बैठ गया है तालिबान के साथ में बात करने के लिए। तो तालिबान के साथ में जो यूएसए बात करता है तो तालिबान की एक कंडीशन है यहाँ पर कि जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूंगा, यानी कि जहाँ बम्बार्डमेंट चल रहे हैं जो कंडीशन है वो चलती रहेगी, उनको हम लोग नहीं रोकेंगे, बाकी आप लोग जो भी कर रहे हैं आप लोग वो करते रहिए, बात आप लोग को जो भी करनी है। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इंडिया बोले पाकिस्तान को कि जो आप लोग को टेररिस्ट एक्टिविटी फैलानी हो फैलाते रहो, हम लोग बात करने के लिए तैयार है, पर इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, इंडिया बोल रहा है कि पहले टेररिस्ट एक्टिविटी को बंद करो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। पर लेकिन यूएसए मजबूर है क्योंकि यूएसए आज के में कंडीशन ये बन चुकी है कि जब से यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करी है तब से लेके इसका ये था कि तालिबान को जरा सी देर में उखाड़ कर यहां से फेंक देंगे, पर लेकिन ऐसा ये कुछ कर ही नहीं पाए तो कंडीशन कुछ और ही बन गई। यहां पर आज के में काबुल यहां पर इसकी कैपिटल है, अफगानी इसकी करेंसी है और साउथ एशियन ये एक कंट्री है, ये इसका फ्लैग हो गया।
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। और यहां पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर रीजन हमारी कंट्री का भी यहां पर आप लोगों को अफगानिस्तान को टच करता हुआ नजर आता है, जो कि एक पाक ऑक्युपाइड एरिया है, ठीक है, जिसको आप लोग पीओके बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसमें यूएसए के द्वारा एंट्री की गई थी लगभग 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा एंट्री की गई। इसी के साथ में फिर ये कंटिन्यू किया गया 2009 में बराक ओबामा आए, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भी ये कंटिन्यू है। अगर बात करें यहां पर जो ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स की जो प्रेजेंस है, 2001 में लगभग 7 से 7,500 के करीब था। फिर आगे चलकर ये सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया 2010 में ये 1,00,000 के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर ट्रूप पहुंच गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में आए, आगे चलकर उन्होंने काफी कम ट्रूफ यहां पर कर दिए, और 2017 की अगर बात करें तो 8,400 करीब यहां पर ट्रूफ देखने को मिल रहे। फिर इसके बाद में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगी कैसे यहां पर ट्रूफ्स आने हैं, कैसे ट्रूफ्स जाने हैं। तो बेसिकली यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा खर्चा किया गया, और ये तीसरी प्रेसिडेंट की पीढ़ी है यहां पर यूएसए की जो आज के डेट में अफगानिस्तान से जूझ रही है। एंट्री तो की गई थी बड़ी सानो सोगत से कि जाएंगे फ्लैश आउट करके आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सऊदी अरेबिया वाला मुद्दा। सऊदी अरेबिया ने भी ये बात की थी कि यमन में जाएंगे, जरा सी कंट्री है, जरा सी देश में हुतई कम्युनिटी को मार के भगाएंगे और आसानी से वहां पर शांति बनाकर आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है वहां पर, वही काम हो रहा है जो वियतनाम में यूएसए का हुआ था, यही काम यूएसए का अफगानिस्तान में हो गया। घुटने बल आ गया यूएसए, तालिबान के सामने घुटने टेक रहा है कि भैया हम लोग यहां से जाने दो, आसानी से जाने दो, कुछ तो रहम कर लो। बेइज्जती होने वाली है, 2020 में इलेक्शन आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 19 चला गया, सितंबर आ गया, अब आगे क्या होगा भैया, कुछ तो सोच लो। तो ऐसी कंडीशन यहां पर बनी हुई है, बट तालिबान को भी समझ में आ गया। देखिए एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अपनी कमजोरी कभी किसी को बताओ मत, क्योंकि आप लोगों की कमजोरी का फायदा सामने वाला उठाने के चुकेगा नहीं, जब भी उसको टाइम मिलेगा। आज की डेट में हो सकता है आप लोगों का वो दोस्त हो, पर लेकिन कल को अगर जरा से भी अनबन सामने वाले के साथ में हो गई है, वो सबसे पहले आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो अपनी पर्सनल चीजें किसी को ज्यादा शेयर न करें, अच्छी बात तो यही है, इससे आप लोगों की सिक्योरिटी बनी रहेगी, और आप लोगों की पर्सनल चीजें अगर आप लोगों तक ही सीमित रहे, इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि सामने वाले को अपनी कमजोरियां न बताएं, उसको आप लोगों की बस एक तरीके से स्ट्रांग चीज पता होनी चाहिए, और अपनी कमजोरियों पर काम करें उनको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो तालिबान जो है वो बात कर रहा है काफी लंबे समय से कतर में यहां पर यूएसए के साथ में, पर लेकिन जो कंडीशन बन गई है सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर वो सुधरी ही नहीं। आप अगर बात करें 2019 में, अभी सितंबर में हम लोग खड़े हुए हैं, तो सितंबर महीने तक 173 टेररिस्ट अटैक किए जा चुके हैं, और यहां पर अगर बात करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहां पर 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक यहां पर। ये कंडीशन है यहां पर, आप लोग देख सकते हैं कि ये बात चलते चलते है, जब यूएसए की बात चल रही है तालिबान के साथ में, वो ऑलरेडी बोल चुका है कि यहां पर अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान मानने के लिए तैयारी नहीं है, बोलता है पपेट गवर्नमेंट है, और वो इसको बात से भी बाहर रखता है, कह रहा है बात तो करूंगा यूएसए के साथ में, पर लेकिन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को साइड में उठा के फेंको, इसके साथ में बात नहीं करनी है मुझे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करें अगर, जो आज के दिन में कंडीशन है, जैसे इन्होंने क्या किया, अभी बात बंद कर दी, ठीक है, कि टोक नहीं करेंगे तालिबान के साथ में। आखिर समझ में ये नहीं आता है कि इन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, क्योंकि ये हरकतें तो पहले से ही कर रहे हैं, आज की बात थोड़ी ना कि आज इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, आज यहां पर लोग मारे जा रहे हैं, ये तो पहले से ही चला हुआ रहा है। तो यहां पर यही देखने को मिलता है, जो एम्बिग्यूटी है यहां पर, अस्पष्टता है यहां पर आज के डेट में, अस्थिरता है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन मेकिंग में, ये फिर से देखने को मिल रही है। एक जगह बंदा टिक ही नहीं पाता है, बिल्कुल बिना पैंदी के लोटे वाली कंडीशन हो रही है, आज इधर तो कल उधर। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, वो प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि लोग जो है वहां पर शांति नहीं कर पा रहे हैं, बात ये कल कुछ करते हैं, परसों कुछ करते हैं, और जब मन करता है बोलता है कि ट्विटर पर यार एक्टिविटी हो नहीं रही, तो ट्विटर पर कुछ डाल देते हैं जाकर। तो कंडीशन एक अलग ही लेवल पर निकल कर आती है। तो यही बात बेसिकली यहां पर बोलने की बात की जा रही है कि तालिबान जो आज कर रहा है वो पहले से ही कर रहा है, आप लोगों ने उस टाइम पर भी बोला था कि बात करेंगे, और यहां पर जो बात करने के लिए बेसिकली ग्राउंड लेवल तैयार किया गया था वो थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चलता हुआ नजर आया था। तो फिर अभी तालिबान के साथ में बात करके बात न करना, तो इससे देखिए किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तालिबान की पकड़ है ग्राउंड लेवल पर, अब तक नहीं आप लोग कुछ सुधार पाए, तो आगे क्या सुधारोगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो छोड़ने की आप लोग यहां से सोच रहे हैं ना, कि बस तालिबान के साथ में बात करें और उनको बोल के चले जाएं कि शांति बनाए रखना और अपना निकल ले, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और जो यहां पर ग्रुप है सारे, उन ग्रुप के साथ में बात करो, जो रीजनल स्टेक होल्डर है उनके साथ में बात करो, गवर्नमेंट को लेकर आओ, और यहां पर एक प्रॉपर वे की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट हो। आप लोग क्या करें, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज के डेट में यहां पर कब्जा बनाए हुए हैं, उसको बोल रहे हैं कि भैया शांति बनाकर रखना, और इसी के साथ में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी न होने देना, और हम लोग यहां पर आपके हाथों में छोड़कर जा रहे हैं, यार वही शांति बिगाड़ रहे हैं, और उसी के हाथ में आप लोग यहां पर बागडोर देकर जा रहे हैं। तो किस हद तक आप लोग ये सही करें, तो आप लोग अपनी इज्जत बचाकर निकल रहे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। तो ये प्रॉपर आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और इंडिया के काफी इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूप्स यहां पर भेजो, पर इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, तो वो भी एक पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, एक जज है यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के, उनको मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस है यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के। ठीक है, तो ये जो है यहां पर जिनका नाम है विजय कमलेश, तो यहां पर इनको अभी जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ये ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर, आप लोग एक बार इनकी पिक्चर देख लीजिए, यहां पर ये है ये पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इनको जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ये मद्रास हाईकोर्ट जो कि काफी बड़ा हाईकोर्ट है, मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि काफी छोटा हाईकोर्ट है। मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास नाम आप लोग सुन सकते हैं, तो काफी पुराना नाम भी है, चेन्नई नाम चेंज हो गया, पर आज के में मद्रास आईटी, मद्रास हाईकोर्ट, ये आज तक ऐसे के ऐसे ही है, तो काफी पुराने आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहे हैं। तो इनका जो नाम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा, लंबा नाम है यहां पर, तो VKT इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो अभी यहां पर जो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट की थी, यहां पर इनको ट्रांसफर किया गया है, तो मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर बात करें गुजरात, जहां पर आज के डेट में ये है मद्रास में, यहां पर 75 जज थे इनके नीचे, और यहां पर 3 है आज के डेट में कहां पर, जहां पर ये जा रहे हैं मेघालय के अंदर, यानी कि एक छोटी सी पोस्ट पर इनको दिया गया, एक तरीके से पनिशमेंट की तरीके से इसको देखा जा रहा है, पर इन्होंने यहां पर इसको एक्सेप्ट करने से अच्छा रेजिग्नेशन देना समझा, यानी कि एक तरीके से अपनी जो इंसल्ट है उसको कराने से अच्छा है कि हम लोग रेजिग्नेशन दे दें, तो ये इनको ज्यादा बेटर लगा। और खासकर अगर बात करें यहां पर जो कंडीशन ये निकल कर आ रही है, तो ये कि क्वेश्चन मार्क लगा रही है हमारी कंट्री का जो कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम क्या है? कोलेजियम सिस्टम है यहां पर हमारी कंट्री में, जो कि जज को ट्रांसफर और जज को अपॉइंटमेंट करने के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें हाई कोर्ट के जो जज की बात की जाती है, तो आर्टिकल 217 देखने को मिलता है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाती है, तो आर्टिकल 124 देखने को मिलता है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट के लिए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज देखने को मिलेंगे, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये पर्टिकुलर कोलेजियम सिस्टम काम करता है। तो ये जो कोलेजियम सिस्टम था, इससे पहले अगर आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, वो थी हमारी कंट्री में जो लॉ मिनिस्टर, उसके हाथ में पावर। बेसिकली क्या हुआ करता था, जो उनके द्वारा बोल दिया गया और प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंटमेंट करेंगे, तो होता था ये था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाइंडिंग रहेगा यहां पर जो भी इनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। तो फर्स्ट जो जज केस आया, फर्स्ट जज केस में बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सजेशन है, जो यहां पर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि हाँ इनको अपॉइंट करना है नहीं करना है, वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे। सेकंड जो केस निकल कर आया, वहां पर बोला गया चलिए सही है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी बात यहां पर मानी जाएगी। ठीक है, पर लेकिन उनको जो यहां पर बात मानी जाएगी, उनके साथ में किसी और का सेशन होना चाहिए। आगे चलकर जब थर्ड जज केस है, यहां पर यह बोल दिया गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी जाएगी, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा यहां पर 4 जजों के साथ में, और उसके बाद में यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ये केसेस भी यहां पर जिसके बेस पर जो कोलिजियम सिस्टम है आगे चलकर डेवलप हुआ है। फिर आगे चलकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, तो उसमें 6 जज हुआ करते थे, उसमें 2-3 तो हुआ करते थे कोर्ट के जज, और 3 हुआ करते थे गवर्नमेंट के, 6 जज नहीं मतलब 6 आदमी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है RBI की, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। फिर आगे चलकर क्या किया, इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तो आज की डेट में कोलिजियम सिस्टम ही काम कर रहा है, और ये कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं कि ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। कोलिजियम सिस्टम की जो एक तरीके से बातें हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो ये ढंग से जिस तरीके से एक ओपन तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए ट्रांसफर कर दिया, अब कोई पूछने वाला है नहीं, कोई आंसर देने वाला यहां पर है नहीं, आखिर ऐसा क्यों किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पूरी पावर है यहां पर, एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं, आप लोग बोल सकते हैं कहने के लिए कंसल्टेशन होता है, पर लेकिन एक्चुअल में पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में ही रहती है। तो क्या गलत हो रहा है यहां पर, कोई इसको चेक करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, पब्लिक कॉन्ट्रोवर्सी बन रही है, कोई क्या बातें चल रही है अंदर, कोई बताने के लिए तैयारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर, तो ये जो क्राइटेरिया अगर मान लीजिए इनके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, तो ये क्या जरूरी है कि आप लोग दूसरे जजेस के ऊपर भी वही क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करें, यानी कि इनको तो आप लोग ने ट्रांसफर कर दिया मद्रास से मेघालय, क्या सबको आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं, किसी क्राइटेरिया को यूज करें, तो वो भी कोई चेक करने वाला नहीं है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे UPSC कॉपी चेक करती है अपनी मेंस की, तो उसके बारे में कोई बताता नहीं है ढंग से एक्चुअल में कैसे वो कॉपी चेक करते हैं, क्या क्राइटेरिया रखते हैं, कहां पर वे कैसे कैसे मार्क्स देते हैं, तो सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कुछ ऐसी ही बातें यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है। गवर्नमेंट अगर बात करें, गवर्नमेंट भी कई बार यहां पर क्रिटिकल रह चुकी है कोलिजियम सिस्टम को लेकर, और कई सारे ऐसे डिसएग्रीमेंट गवर्नमेंट के हो चुके हैं ऑलरेडी कि हाँ वो नहीं चाहते हैं यहां पर कि वो पर्टिकुलर जज को अपॉइंट किया जाए, तो इसके बीच में भी रस्साकसी देखने को मिलती है। अगर बात करें यहां पर जो भी ये जज है जिनको अभी ट्रांसफर किया गया है, इनके बारे में बात करें तो एक बिल्किस बानो रेप केस है यहां पर, रेप केस का गैंग रेप केस था ये 2002 का, गुजरात में जब दंगे हुए थे, इनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, यहां पर आप लोग देखते हैं इनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था और इनके साथ में रेप किया गया था। तो ये जो केस था ये काफी लंबे समय तक चला, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि गुजरात में तो केस चलने वाला संभव है नहीं था, ये आगे चल के बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहां पर जब इसका डिसीजन आया, तो ये जो वर्डिक्ट आया, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से गुजरात में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी उसके खिलाफ था, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है उनका दंड भी यहां पर इनको दिया जा रहा है, इस तरीके से बात की जा रही है, यानी कि पुराना जो हिसाब चुकता किया जा रहा है ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ये व्यू है यहां पर राइटर के।
मद्रास हाई कोर्ट में इनको चीफ जस्टिस पर अपॉइंट किया गया और अब इनको यहां से सीधा ट्रांसफर किया जा रहा है मेघालय, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं जो सेकंड और थर्ड जज मैंने अभी बताया जिससे कोलेजियम सिस्टम हमारा डेवलप हुआ है। तो ये यहां पर जो बात करें इसमें जो आज के में अंदर आर्बिट्रेरी यहां पर देखने को मिल रही है आप लोगों को, आर्बिट्रेरीनेस कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है चीजों को, तो उसके अंदर कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आ रही है कि एक्चुअल में आप लोग कर क्या रहे हैं। तो कोलेजियम सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है आज के में, जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इसकी वजह से भी कि ये क्लियर नहीं है यहां पर एक्चुअल में क्या चल रहा है, पर्सनल ओपिनियन क्या, किस तरीके डिसीजन मेकिंग यहां पर हो रही है, तो वो सारी बातें यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रही है और आज तक इनको एड्रेस भी नहीं किया गया है। इसीलिए कोलेजियम सिस्टम को हटाकर एक प्रॉपर पैटर्न को क्रिएट करने की बात की जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये था कंप्लीट आर्टिकल, आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बीच में, बायलेटरल जो रिलेशनशिप है उसमें, इसी के साथ में प्रेजेंट जो अभी समिट हुई है रशिया के अंदर उसको बैकग्राउंड में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है कि चुनौतियां क्या है और बैकग्राउंड में आप लोगों को रखना है कि यहां पर क्या क्या अभी रिसेंटली जो इंडिया और रशिया के बीच में बातें चल रही है। तो इसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल है, तो आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है अगर आज के डेट में एशिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो एशिया एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन है जहां पर दबदबा चाइना का है और चाइना का एशिया का पूरे वर्ल्ड में चल रहा है आज के डेट में, और एशिया में चाइना जो है वो किसी को अपने इक्विवेलेंट मान ही नहीं रहा है, ठीक है। अपनी दबदबा अपनी दादागिरी चला रहा है। अगर बात करें जो आप लोग चाइना के जो आसपास में जो सी है वो उनको बोलता है ये मेरा एरिया है, तो इसी के चलते कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि चेक एंड बैलेंस वाला होना चाहिए, वरना जो आदमी है अगर उसके कोई, जैसे आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट है, अगर कोई अपोजिशन नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो इसी तरीके से अगर चाइना में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है यहां पर आज के में चाइना को, तो चाइना अपनी मनमानी चलाएगा। तो इसी तरीके से जो इंडिया और रशिया के रिलेशन इमर्ज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, खासकर चाइना और इंडिया के रिलेशन में भी और चाइना की जो वर्चस्व है एशिया के अंदर उसमें भी। रशिया इंडिया और चाइना का एक ट्राइंगल है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये हो गया यहां पर चाइना, ये हो गया यहां पर रशिया और ये हो गया यहां पर इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो बड़े ही तिकड़मबाजी टाइप के रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं आज के में। रशिया और चाइना के बीच के रिलेशन की बात करते हैं पहले। रशिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसे हैं कि ये हर टाइम एक दूसरे के साथ में सहमत रहेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है, यानी कि जहां पर जो म्यूचुअल बेनिफिट है वहां पर तो ये साथ में रहेंगे, जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है वहां पर ये एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हुए आएंगे, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग है इनके रिलेशन में। क्या मतलब है इसका, जम्मू एंड कश्मीर वाले इशू को ले लीजिए, चाइना जो यहां पर पूरा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आया पर लेकिन जो रशिया था वो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आया, फिर भी दोनों के रिलेशन में कोई आनंद फानन कोई तानातानी नहीं देखने को मिली, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन चाइना यहां पर आज के में एशिया में अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे हैं। रशिया जो कि पुराना खिलाड़ी है, यूएसएसआर के टाइम का खिलाड़ी है, जो कि हमेशा चाहता है कि वो भी एक पावर के तौर पर हमेशा जाना जाए, वो कहीं ना कहीं आगे अगर बढ़कर आता है तो चाइना के लिए वो चैलेंज हो सकता है। पर लेकिन आज के में सिनेरियो कुछ ऐसा है, ना तो चाइना को कोई ढंग से सपोर्ट कर रहा है ना ही रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही बात हो गई कि आप लोग जैसे बोले ना कि दोस्त का जो यहां पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही कंडीशन है कि जो भी इनके सारे दुश्मन कुछ ऐसे बन गए हैं कि दोनों के दुश्मन कुछ मिलते जुलते बन गए हैं, तो इन्होंने उठाकर अपनी दोस्ती कर ली, तो ऐसी कंडीशन बोल सकते हैं। पर लेकिन इस बीच में अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इंडिया का रिलेशन अगर बात करें रशिया के साथ में वो काफी पुराना है, वो बोलते हैं ना बहुत पुराना याराना है रे, तो ऐसा पुराना याराना है यहां पर रशिया के साथ में कि एक अगर बात करें 1971 के वॉर के टाइम की, उस टाइम पर जो चाइना था वो पाकिस्तान के साइड में था, यूएसए था वो पाकिस्तान के साइड में था, और सब मिलकर यहां पर इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर एक तरीके से पूरा सपोर्ट में खड़ा होता रसिया या फिर यूएसएसआर आप लोग बोलिए, वरना कंडीशन कुछ और ही होने वाली थी अगर रसिया उस टाइम पर हमारा साथ नहीं देता। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी रसिया के साथ में, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है। चाइना के साथ में अगर इंडिया के रिलेशन की आप लोग बात करते हैं तो यहां पर थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे। दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप लोग देखते हैं हमारे पाक ऑक्युपाइड एरिया से होकर जाता है। इसी के साथ में अगर और भी बात करें, एग्रेशन भूटान वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिला, जो डेडलॉक देखने को मिल रहा था, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल के आती है इंडिया और चाइना के रिलेशन में। आज के डेट में फिर भी रिलेशन अच्छे मेंटेन है क्योंकि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। और अभी जो सिनेरियो बन गया है, जब से ट्रेड वॉर चल रही है तो चाइना भी थोड़ा सा लिबरल होता हुआ नजर आ रहा है, वो और कंट्री के साथ भी व्यापार करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी मेंटेन रहे। तो ये कंडीशन यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। तो इसी के बीच में एक ट्रायंगल क्रिएट करता है यहां पर, वो है यूएसए का। तो यूएसए और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, इससे एक अलग फंडा निकल कर आ रहा है और कहीं ना कहीं यूएसए भी चाहता है कि चाइना दब जाए, क्योंकि चाइना अगर नहीं दबेगा तो यूएसए को टक्कर दे रहा है वो हर एक लेवल पर आकर।
तो ये सारे एक तरीके से जो एंगल है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है यहां पर, इंडिया का भी यही मानना है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, किसी एक का दबदबा नहीं होना चाहिए, किसी एक की ताकत नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन चाइना की एंबिशन जो है वो काफी अलग लेवल की निकल कर आती है। वो जिस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर चाइना वन रोड वन बेल्ट वाला बात कर लीजिए आप लोग, पूरे एरिया को यूरोप से लेकर एशिया से लेकर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक कनेक्ट करने की बात करें, चाइना का जो वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसके बेस पर भी यहां पर ये कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं वो एक अलग तरीके से यहां पर कंडीशन देखने को मिल रही है। यानी कि चाइना अपने आपको दिखाना चाह रहा है कि हां मैं एक पावरफुल कंट्री हूं, और जिस जो एक बार ये इसको एस्टेब्लिश कर लेगा ना तो फिर पुराने सिल्क रूट वाला फंडा हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से जिसका सिल्क रूट पे कंट्रोल है वही ताकतवर कंट्री है, ऐसे यहां पर अगर चाइना का एक बार ये एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो फिर चाइना को कभी कोई पछाड़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा डेवलपमेंट एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में, 2017 के बायलेटरल इकोनॉमिक अगर टर्नआउट की आप लोग बात करें तो ये ऑलमोस्ट 22% यहां पर जो इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहां पर आगे चलकर इसको टारगेट लगाया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग 30 बिलियन तक लेकर जाएं 2025 तक, तो ये टारगेट है। यानी कि रिलेशनशिप में काफी अच्छे हैं अगर इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली रशियन कई सारी कंपनियां जैसे रशिया की जो ऑयल जेंट है यहां पर, जो कि जिनका नाम है रोसनेट, ठीक है, तो ये यहां पर 12.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा हमारी कंट्री के प्राइवेट एसर ऑयल मार्केटिंग में किया गया। इसी के साथ में जो मार्केट जहां पर नागपुर सिकंदराबाद हाई स्पीड रेल है उसके कंस्ट्रक्शन में ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एरिया। अगर बात करें आर्मी मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंट्री और यूएसए के रिलेशन, रशिया के रिलेशन, तो काफी पुराने हैं, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है 5 बिलियन की जो डील देखने को मिली S-400, यानी कि S-400 आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डील है यहां पर, इसी के साथ में 10 बिलियन की टोटल मिलाकर डील देखने को मिलेगी, जो कि काम वो का ये 226T हेलीकॉप्टर की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर यह है ग्रीवोच, ये क्लास फ्राइट है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फेरिगेट से जो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, AK-203 राइफल है। तो जो भी यहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट है। ये राइफल है, ये एक जो पानी का जहाज आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसमें काफी कुछ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये तो ये सारा काम हम लोग रशिया के साथ में मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में सुखोई MKI की बात करें, मिग जो यहां पर 29 की बात करें, प्रोजेक्ट 75 जो कि हमारी कंट्री में जो ये काफी अच्छा डेवलपमेंट करेगा खासकर नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ में एयरफोर्स के जो 114 फाइटर जेट की बात करें, तो ये बहुत बड़ी डील है रशिया के साथ में हमारी, जो कि काफी लार्ज स्केल पर हम लोग रशिया के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो गई, इधर आप लोग देख रहे हैं यहां पर डिफेंस की बात होगी, तीसरी अभी जो एनर्जी सिक्योरिटी की आप लोग बात कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की जो हमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गए, तो वहां पर इंडिया और रशिया एनर्जी में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां से हम लोग एनर्जी निकालेंगे और अपनी कंट्री के लिए भी फायदेमंद रहेगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं आज के डेट में, इसमें रशिया ने ही कहीं ना कहीं हमारी एंट्री कराई है, जो कि 2017 में देखने को मिली। 2017 में ये एंट्री जो देखने को मिली, इसी टाइम पर चाइना के द्वारा पाकिस्तान की एंट्री कराई गई। अच्छा, ये समिट कहां पर हुई थी आप लोग बताइए, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एंट्री की गई संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। चाइना के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो लगभग 4 गुना हमारे से चाइना की GDP है, और लगभग 3 गुना उनका डिफेंस बजट है हमारा, जो खर्च करते हैं अपने डिफेंस के ऊपर। तो चाइना एक ह्यूज मार्केट है आज के डेट में, तो इस तरीके से चाइना को टैकल करना रशिया की हेल्प लेके, तो अकेले तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिस तरीके हमारी आज के डेट में कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं रशिया अगर साथ में रहेगा तो सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो पाएगी। और कई सारे डिस्प्यूटेड एरिया भी हैं, और कई जगह स्टैंड ऑफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे डोकलाम वाले एरिया में इंडिया और चाइना के बीच में डेडलॉक हो गया, जो कि भूटान वाले एरिया में पड़ता है। तो चाइना बोला था ये डोकलाम वाला एरिया मेरा एरिया है, इंडिया ने बोला भूटान का एरिया है, आमने सामने जाकर खड़े हो गए तो फिर शांति से वहां पर चीजें निपटी, वरना लग रहा था कि कुछ और कंडीशन बनने वाली है। रशिया की अगर बात करें इंडिया के साथ में, वो सोवियत यूनियन के टाइम से यहां पर काफी अच्छी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये याद रखिएगा 1971 इंडिया और रशिया के द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई, उस टाइम पर इसको USSR बोलते थे, क्योंकि सोवियत यूनियन तो हमारे साथ में था, चाइना और यूएसए दोनों पाकिस्तान के साथ में थे, तो बैलेंस बनाना काफी जरूरी था यहां पर उस टाइम पर। उसी टाइम पर जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशनशिप थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, हालांकि अगर आप लोग देखें पर, लेकिन आज की डेट के जो रिलेशन है वो ठीक ठाक है, और इन रिलेशन के बीच पर भी रशिया के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो ज्यादा बिगड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं बोला सकते कि काफी बिगड़ गए, थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है पर लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। और जब से पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन में एक तरीके से दरार आई है, तब से ट्रंप जब से पिक्चर में आए तब से हमारे लिए काफी फायदा हो गया, क्योंकि उस टाइम से अगर आप आज के में आप लोग काउंट करते हैं तो काफी लार्ज स्केल पर हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। न्यू दिल्ली कहीं ना कहीं जो मॉस्को के साथ में जो रिलेशनशिप है बीजिंग के, उसको लेकर भी चिंता में था, क्योंकि अगर यहां पर बीजिंग के और रशिया के, यानी कि चाइना और रशिया के रिलेशन अच्छे होते हैं
तो कहीं ना कहीं एक तरीके से साइड हो जाएगा इंडिया अगर चाइना यहां पर ढंग से रिलेशन अपने डेवलप कर पाता है। तो इंडिया का भी पार्ट होना काफी जरूरी है। और चाइना और रशिया की दोनों की एंबिशन यही है कि अपना पावरफुल कंट्री बने, पर लेकिन वही है कि एक जंगल में दोस्त से रहने की बात की जा रही है तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर, तो उस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि एक जंगल में कई सारे शेर रहे ताकि एक शेर का दबदबा न हो। तो ये अप्रोच काफी अच्छी है खासकर आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो यूरेशियन जो बैलेंस है पावर का, तो वो यहां पर देखने को मिलता है यूरोप और एशियन के बीच में जो बैलेंस है यहां पर किस तरीके से ग्रेट कोऑपरेट कर यहां पर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमित्री फोलोवस्की के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं रशिया के जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये था टोटल क्वेश्चन आप लोगों के सामने जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया और रशिया के रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये WTO के बारे में बात करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम की ही बात करें तो ये वर्ल्ड में कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि वर्ल्ड में जो ट्रेड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेयर उल्टी सीधी हरकतें न करें, यानी कि अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए दूसरों को सप्रेस न करें या फिर कोई उल्टी सीधी हरकतें दूसरी न करें। बेसिकली आप लोग समझिए, मान लीजिए हमारी कंट्री में जैसे मान लीजिए किसान है, ठीक है, किसान जो है आज के डेट में अगर किसानों को हम लोग यूरिया फ्री दे रहे हैं, किसानों को हम लोग पानी फ्री दे रहे हैं, किसानों को हम लोग बीज फ्री दे रहे हैं, किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो किसानों के यहां से जो भी यहां पर निकल के आएगा सामान, जो भी यहां पर ये उगाएंगे वो सामान, मान लीजिए इन्होंने गेहूं उगाए, ठीक है, तो ये गेहूं मार्केट में अगर आज के डेट में लेकर आते हैं तो ये मार्केट में उसको अगर 10 रुपए किलो के हिसाब से भी बेचेंगे तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा किसानों को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो यहां पर फायदा किया गया है, बीज फ्री में दे रहा है, यूरिया फ्री में दे रहा है, सिंचाई की फैसिलिटी फ्री में है, तो सारा गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट में ये इसको 1 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो इनको कोई ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। ये काम यूएसए कर रहा है, यानी कि यूएसए क्या कर रहा है, किसानों को सब कुछ वहां पर सब्सिडी की फॉर्म में प्रोवाइड करा दे रहा है। और अब आज की डेट में अगर वो उसको मार्केट में लाकर अपना सामान बेचते हैं तो कितने भी लो लेवल पर बेच लें उनको तो नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी सब्सिडी तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करा दी गई है। तो इसकी वजह से मान लीजिए हमारी कंट्री में तो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा नहीं रही है किसानों को, तो इसकी वजह से जो किसान है अब वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और एक साइड में यूएसए का प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, तो दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं हो पाता। ये इतना सस्ता इसको कर देते हैं कि इसकी वजह से जो इंटरनल मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर का उदाहरण देकर समझाया। ये उदाहरण आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए अब सोलर पैनल के ऊपर। सोलर पैनल जो यूएसए में प्रोड्यूस की जा रही है और जो इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमारी जीत हुई है, कुछ ऐसी हरकतें यूएसए के द्वारा की जा रही थी, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को फायदा पहुंचा रहे थे, इसी के चलते जो कंक्लूजन निकल के यहां पर यह आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है यहां पर, खासकर दूसरी कंट्री की अगर कोई कंपनी यहां पर काम करे, जैसे आप लोग समझिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं यूएसए वाले, ये कर रहे हैं लोकल जो प्रोड्यूसर है उनको टैक्स में छूट दे रहे हैं, रिफंड उनको दे रहे हैं, क्रेडिट उनको दे रहे हैं, तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है यहां पर वो जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो बाहर से अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसके कंपेयर में वो काफी सस्ते बेच पा रहे हैं। तो इसी के चलते आर्टिकल 3 जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है उसके चलते उसका वॉल्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है। उसने बोला अगर एक जैसे प्रोडक्ट है अगर वो अलग कंट्री के भी आ रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट आप लोग उनके साथ में करेंगे। तो यही यहां पर जो सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चर है यूएसए के अंदर वही कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही थी। तो इंडिया को यहां पर जीत मिली है इसके अंदर, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही बेसिकली यही है कि कैसे एक अच्छा व्यापार बनाकर रखना है। इसका जो गठन किया गया था 1995 में बेसिकली देखने को मिला, क्योंकि ये अभी जिसको आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं पहले इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि GAAT बोलते थे, तो 1948 में इसको गठन किया गया था, फिर इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम आया जो 1995 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ये मार्केट एग्रीमेंट आप लोग याद रखेगा, ठीक है, तो ये मार्केट एग्रीमेंट है जिसके बेस पर यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये मोरक्को में है मार्केट, ठीक है, जहां पर ये इसको चेंज किया गया ये गार्ड को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके, तो ये जो कंडीशन निकल कर आई ये उरुग्वे राउंड चला काफी लंबे समय तक, तब यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमेजन फॉरेस्ट के बारे में। अमेजन फॉरेस्ट अगर आप लोग देखेंगे, एक बार पहले आप लोग इनका लोकेशन देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। ये हो गई हमारी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग आएंगे यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्राजील, तो ये ब्राजील में नहीं है, कई सारी और भी कंट्री में देखने को मिलता है, पर लेकिन 60% के करीब यहां पर ब्राजील में है। तो ब्राजील में ये कंडीशन चल रही है कि अमेजन के फॉरेस्ट को काटकर जो जमीन निकल कर आती है उस जमीन को आप लोग किसी और पर्पज के लिए यूज कीजिए, वहां पर फैक्ट्री बना दो, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दो, तो वो सारी कंडीशन ये कर रहे हैं। तो उसी के चलते काफी लार्ज स्केल पर यहां पर फायर देखने को मिल रही है फॉरेस्ट के अंदर, काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चीजें जल रही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बातें ये की जा रही हैं कि जो लगभग 20% वर्ल्ड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो लंग्स बोला जाता है जिनको यहां पर वो जल रहे हैं।
तो इसी के चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में बात की गई। G7 मीटिंग की बात कर लीजिए, वहां पर बात की गई, इसको हेल्प करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। इनके द्वारा बोला गया, जो आज के डेट में प्रेसिडेंट है यहां पर, जो बोल्सोनारो साहब, उनके द्वारा बोला गया जो एनजीओ है यहां पर लोकल एरिया की, वो यहां पर बदनाम कर रही है, अपने आप आग लगा रही है और यहां पर ये कंडीशन निकाल रही है। जबकि जब से प्रेसिडेंट बनकर आए, इनके द्वारा ये बोला गया कि यहां पर लो जो है वो इन्होंने कहीं ना कहीं डायल्यूट कर दिया, ताकि लोग जो है आसानी से फॉरेस्ट को काट सके, यानी कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इन्वायरमेंट को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया, ये कंडीशन निकल कर आई। इन्वायरमेंट पर ये इतना फोकस दे रहे हैं कि डेवलपमेंट को यहां पर एक तरीके से ध्यान में चल रहा है, बस इन्वायरमेंट को फोकस में रख रहे हैं कि बर्बाद कैसे करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है यहां पर। अब जो बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि आप लोग डिफोरेस्टेशन तो कर देंगे, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया डिफोरेस्टेशन कर दिया तो फॉरेस्ट आप लोग लगा देंगे, ठीक है। पर लेकिन जो यहां से जो आप लोग एमिशन निकल के आ रहा है, जो फ्यूल फॉसिल आप लोग जो जला रहे हैं यहां पर, ये जो जला, इसकी वजह से जो एनवायरमेंट पर नुकसान पड़ रहा है, वो आप लोग कैसे करेंगे? ये बिल्कुल ऐसी कंपेयर आप लोग कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग उदाहरण देकर समझाया भी था। फॉरेस्ट जब यहां पर जल रहे हैं तो यहां पर कीट पतंगे भी होंगे जमीन पर, यहां पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जमीन के अंदर, बहुत सारे जो जिनावर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं, कीट पतंगे जो भी आप लोग बोलिए, वो यहां पर रह रहे होंगे। कई सारे पशु पक्षी भी यहां पर जलकर मरे होंगे, कई सारी चिड़िया के घोंसले होंगे, उनके अंडे भी यहां पर जले होंगे, तो फॉरेस्ट भी यहां पर जल रहे हैं, तो क्या क्या नहीं जल रहा है, पानी होगा वो भी यहां पर कहीं ना कहीं सूख गया होगा काफी लार्ज स्केल पर, तो ये बंजर जमीन एक तरीके से यहां पर हो जा रही है, जो कि एक हरी भरी जमीन थी यहां पर। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्या ये एक्चुअल में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं? जब नए फॉरेस्ट आप लोग लगाएंगे, कहीं पर चलकर नए पेड़ आप लोग लगाएंगे, तो उसी के चलते ये क्लाइमेट चेंज का भी काफी बड़ा इशू यहां पर निकल कर आ रहा है। और अगर बात करें IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें भी यही बोला गया कि आप लोग ये सिचुएशन को कंट्रोल करो, वरना काफी प्रॉब्लम निकल कर आएगी। तो इंटर पैनल जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहां पर ये गवर्नमेंटल पैनल, ये बात ही यही कर रहा है यहां पर स्पेशल रिपोर्ट में कि ये सिचुएशन आप लोग सुधारो, पर लेकिन यहां पर ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बाकी ये तो आर्टिकल में बातें कर रखी थी, इसके ऊपर स्पेशल एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो ये काफी लोगों ने देखी और काफी लोग इसको सराह भी रहे हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने यहां पर किया है, कंडीशन क्या है, क्या क्या, कितनी यहां पर ऑक्सीजन निकल कर आ रही है, किस किस एरिया में ये पर्टिकुलर है, क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है, प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कह रही है, तो पूरा इसके ऊपर एक एनालिसिस मेरे द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा Amazon फॉरेस्ट बाय वीर, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस वीडियो के बाद में जाकर आप लोग इसका रिविजन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये क्रिकेट का थोड़ा एनालिसिस किया गया है रिसेंटली, अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कई सारी बातें देखने को यहां पर जो निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर ये देखने को मिला, ठीक है, ये है नंबर ऑफ जो टेस्ट रन है, सबसे ज्यादा किसके यहां पर, ये है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री टॉपर है और अब तक यहां पर ये मेंटेन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जो बैटिंग एवरेज की बात करें तो ये है डॉन ब्रैडमैन, तो इनका बैटिंग एवरेज काफी शानदार बोला जाता था, ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी अगर बात करें कोहली साहब हो गए, इसके साथ में कई सारी और पर्सनैलिटी आप लोग देखते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हो गए, तो ये जैसे पुजारा हो गए यहां पर, तो इनका एक तरीके से एवरेज आज किट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से यहां पर ये एनालिसिस किया जा रहा है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिकेट में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके ऊपर आप लोग नजर डाल सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात करते हैं यहां पर, ये बात करते हैं न्यूज एनालिसिस के बारे में। तो न्यूज एनालिसिस का जो सबसे पहली पॉइंट है यहां पर, ये बात कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में फिर से और ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कमर्शियल व्हीकल हो गए, पैसेंजर व्हीकल हो गए और टू व्हीलर हो गए। तो यहां पर जो कमर्शियल व्हीकल है वो काफी ज्यादा लो स्केल पर यहां पर पहुंच चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 28 की कैटेगरी में इनको लाया जाता है जब इनके ऊपर GST लगाया जाता है, और रीजन भी है कि सबसे ज्यादा GST इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दूसरे जो प्रोडक्ट हैं जैसे बैटरी के जो गाड़ी हैं उनको उनको मार्केट में बेचा जा सके, इसलिए यहां पर ये रखा जा रहा है। तो यहां पर सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है, जो कि यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि यहां पर जो कंडीशन खराब हो रही है इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये अगर अभी पहले बोला गया था कि 28 से हटाकर इसको 18 में ला दीजिए, कम से कम इतना तो कर दीजिए, ताकि ऑटोमोबाइल वगैरह बेचना स्टार्ट हो जाए मार्केट में। कुछ लोग जो है आज के डेट में इसलिए भी नहीं खरीद रहे हैं, उनको ये लग रहा है जो ये BS स्टैंडर्ड जो 6 इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से ये जो व्हीकल है ढंग से काम नहीं करेंगे। तो कई सारे लोगों के माइंड में ऐसी भी कंफ्यूजन चल रहे हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन की वजह से कुछ मार्केट में कंडीशन की वजह से ये और ज्यादा डिक्लाइन हो गया, और ये हिस्टोरिक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आइडिया रखेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट SBI के द्वारा बोला गया यहां पर जो MCLR है, यहां पर इसको रिड्यूस कर दिया गया, बेसिकली अभी जो रेट है यहां पर ये 10 basis points यहां पर ये कट किया गया है। तो यहां पर अब जो ये बेसिक रेट रहेगा जिसके बेस पर ये लोन देंगे वो 8.15 हो गया। तो इससे क्या रहेगा, लोगों को सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन अगर लोगों को मिलेगा तो इससे ये रहेगा कि लोग जो है सामान खरीदेंगे, बेचेंगे मार्केट में, और ज्यादा प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होंगे, तो अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। अमित शाह जी के द्वारा बोला गया जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये वो बिल है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसी के साथ में
एक कंट्री होना है अफगानिस्तान हो गया पाकिस्तान, और एक कंट्री कौन सी बन गई बांग्लादेश। तो इन कंट्री से जो सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको हमारी कंट्री में अलाउ करने की बात की जा रही है। तो उन्होंने बोला है कि ये तो देखेंगे कैसे होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लोगों को नुकसान हो जाए इसकी वजह से। आर्टिकल 370 को लेकर भी इन्होंने लोगों को एक तरीके से प्रोत्साहन दिया कि हाँ हम इसको भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप लोग सर्च कर सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बाय वीर, तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर जिसको डाउट है वो देखेगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे नए बच्चे आ रहे हैं उनको देखें, जो नए बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि सर क्या क्या पढ़ा रखा है हमको पता नहीं है इस चैनल पे। तो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर देख लीजिए, पॉलिटी आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर इकोनॉमी भी आप लोग की चल रही है, फिर से उसको स्टार्ट किया जाएगा। बाकी अगर बात की जाए और जो आप लोग के लेक्चर हैं, कई सारे गाइडेंस लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह कैसे आप लोगों को बनाना है, ये भी बहुत सारी गाइडेंस की वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो वो सारी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी डाउट है आप लोग उनको एंजॉय कर सकते हैं, काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई करेंगे। यूएन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके द्वारा बोला गया है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो कम्युनिकेशन जो बंद कर रखा है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि लोगों को वहां पर कम्युनिकेशन अच्छा देखने को मिले। चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी खुशखबरी है यहाँ पर, जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है विक्रम है जिसका नाम, वो बोला गया कि वो टूटा नहीं है, वो टिल्टेड हो गया है, यानी कि जहां पर उसको बोला गया था उतरने के लिए थोड़ा सा साइड में उतरा है और टिल्टेड हो गया है यहाँ पर, और ये टूटा नहीं है, अच्छी बात यह है। और दूसरी बात जो बोली जा रही है वो ये है कि यहाँ पर देखिए, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो टूटा नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोग उसके साथ में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, बाकी अगर देखें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे थे, पर लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वो नहीं हुई, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि धड़ाम से जाकर वहाँ पर पड़ा, जो कि आराम से जाकर गिरना था। ठीक है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये जो बात की जा रही है ये दिल्ली की बात की जा रही है। दिल्ली में ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं, ये आप लोग अगर कोई आंसर राइटिंग लिख रहे हैं सोसाइटी के बारे में कि क्या कंडीशन आज के डेट में, क्योंकि कई सारी ऐसी कंडीशन निकलती है, रिलीजन कास्ट के नाम पर आज के डेट में भी यहाँ पर लोगों को मारा जाता है। तो एक वुमेन की डेथ देखने को मिली आदर्श नगर न्यू दिल्ली में, यहाँ पर क्या हुआ, ये लड़की जो थी एक इंटर कास्ट मैरिज करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके चलते रिलेशनशिप जो इंटर कास्ट था उसके चलते यहाँ पर घर वालों ने लड़की की जान ले ली। तो आज की डेट में नेशनल कैपिटल में ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर बता सकते हैं अगर आंसर राइटिंग आप लोग लिखते हैं उस टाइम पर। दो नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, और आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोगों ने एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो वो जो वीडियो थी उसमें दिखा रखा है कि एक छत है वहां पर रूफ, उस पर बहुत सारे जो गणेश हैं, जो गणेश जी हैं भगवान, उनकी जो तस्वीरें रखी हुई हैं, वो स्टैचू रखी हैं, और उनको वहां से नीचे फेंका जा रहा है, एक नाला बह रहा है नीचे। ठीक है, तो यहां से देखने को मिलता है कि आप लोगों का जो ये एक तरीके से जो ट्रस्ट है, ये बिलीफ है, उसके साथ क्या किया जाता है। तो ये जो आज के डेट में पानी तो पोल्यूशन होता ही होता है, और बाद में क्या कर रहे हैं, तो रियलिटी में क्या इसी तरीके से भगवान या फिर गॉड अल्लाह जो आप लोग बोलते हैं उसको पूजते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि इन चीजों से बचें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कोशिश आप लोग ये भी कर सकते हैं कि घर में जो आप लोग के स्टैचू है, जो भी तस्वीर है, वो आप लोग थोड़ा सा उसकी ही पूजा कर लीजिए, जो जाकर यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। इसकी वजह से कितना पानी बर्बाद होता है, कितने पानी में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जो केमिकल्स होते हैं कलर वगैरह, वो फिर इस तरीके से साफ किए जा रहे हैं, और कई सारे ऐसे बहा दिए जाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो कल्चर इस तरीके की एक्टिविटी हमारी चल रही है, ये यहाँ पर आज के डेट में कहीं ना कहीं जो रिलीजन के नाम पर ये इस तरीके की चीजें आज के डेट में हो रही हैं, खासकर ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये साबरमती रिवर है यहाँ पर, जो कंडीशन आप लोग यहाँ पर इस वाली पिक्चर में देखने को मिल रही है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बाकी बात की जा रही है डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के बारे में, तो अगर बात की जाए 2018 और 19 को कंपेयर करके, तो जो यहाँ पर बात करी जाए मलेरिया के केस तो ये तो बड़े हैं, बाकी अगर बात की जाए चिकन इसके डेंगू के केस यहाँ पर, ये जो डेंगू केस यहाँ पर 18 के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो ये भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बस यहाँ पर चिकनगुनिया के जो केस हैं वो घटे हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है सोसाइटी में, तो कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे वो देखना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, 10,000 केस करीब यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट के पड़े हुए हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। ठीक है, पर लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोला जा रहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाओ स्पीडी जस्टिस के लिए, तो वो स्टेब्लिश करने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि आज के डेट में सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो केस पेंडिंग जो रहते हैं वो पोस्को के खिलाफ भी काफी पड़े हुए हैं, उसी के साथ में जो केस पेंडिंग है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, हाँ कैसे जो ऑफेंस है अगेंस्ट सेक्सुअल गवर्नमेंट, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो ये आज की डेट की अगर बात करें तो कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो स्पीडी जस्टिस के थ्रू ही सोल्यूशन निकल पाएगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है नमक के बारे में, यानी कि सोल्ट के बारे में, तो बेसिकली आयोडाइज सोल्ट के बारे में बात की जा रही है। तो तमिलनाडु की कंडीशन काफी खराब यहाँ पर देखने को मिल रही है, बॉटम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, और यहाँ पर झारखंड है, टॉप पर जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय है। तो यहाँ पर ये अभी डेटा जो तैयार किया गया है, ये यहाँ पर किया गया न्यूट्रिशन इंटरनेशनल इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इंडियन, जो यहाँ पर जो इंडियन जो कोएलिशन है फोर
फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो ये सब मिलकर रिपोर्ट यहां पर तैयार करें, जिसमें तमिलनाडु की सबसे ज्यादा खस्ता हालत है, जो आयोडीन है नमक में वो प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिल रही है, जबकि थर्ड लार्जेस्ट कंजप्शन, जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहां पर अगर नमक के बारे में बात करते हैं तमिलनाडु। तो आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस पार्टीज, जो कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इसको कम करने की बात कर रहे थे, तो यहां पर ये नोएडा में देखने को मिल रही थी, नोएडा या फिर एनसीआर या फिर दिल्ली भी आप लोगों को बोले कोई ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया कि 21 मिलियन जो हेक्टेयर है यहां पर ये देखने को मिलेगा, इसको 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया, टारगेटेड रिवाइज कर दिया गया 2030 तक, कि हम लोग को ये जो जमीन है ये हम लोग को एक तरीके से अच्छी जमीन बनानी है, जो कि आज के में डिग्रेड जमीन हो चुकी है, तो इसके ऊपर फोकस देकर चलना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर टारगेट जो यहां पर बढ़ाया गया है 2030 तक, तो देखते हैं कैसे यहां पर इसको अचीव किया जाएगा। तो ये मीटिंग क्या हो रही है, हमारा क्या टारगेट है और किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है, ये पॉइंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी राफेल नडाल के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, 19वां ग्रैंड स्लैम यहां पर इनके द्वारा जीता गया। तो 19 में से बात करते हैं, तो 19 में से 12 तो फ्रेंच ही हैं, ऑस्ट्रेलिया एक है, ये विंबलडन तो है, और ये अभी जो जीता गया है ये यूएसए का यहां पर ओपन की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, जो हराया गया है रशियन डेनिल मेदवेदेव को इनके द्वारा हराया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट यहां पर, नॉर्थ कोरिया चाह रहा है कि यूएसए के साथ में बात स्टार्ट की जाए, तो सितंबर के महीने में देखते हैं कि क्या बात आगे बढ़ पाती है, जो कि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के जो काफी लंबे समय से बातें चल रही हैं। यूके की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनसे उनके द्वारा स्टेप डाउन कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ब्रेक्जिट को लेकर शटडाउन चल रहा है, तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, तो उसको लेकर काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है। 28 मेंबर हैं आज के डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर, अगर ब्रिटेन बाहर निकल जाता है तो 27 रह जाएंगे। 28 में से जो 19 मेंबर हैं वो यूरो करेंसी यूज करते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, बाकी मिक्स में अपनी करेंसी भी यहां पर ये यूज करते हैं। ओके, तो इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर मालदीव के बारे में, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गई हमारी कंट्री, यहां पर हो गया माले, आप लोग कैपिटल देखने को मिलेगी, और ये हो गया यहां पर मालदीव, मालदीवियन रुपया यहां पर आज के डेट में इसकी करेंसी है, और माले यहां पर कैपिटल है, साउथ एशियन कंट्री है, और ये यहां पर इसकी जो इसका फ्लैग हो गया, इंडियन ओशन में है ये कंट्री, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी यह क्विज यहां पर ये देखिएगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है, तो इस क्विज का आंसर आप लोग दीजिए। इसके अलावा अगर डिटेल में आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं तो मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो आती है, बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किए जाते हैं ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। यहां पर एक तरीका रिविजन होता है बस आप लोगों का, आप लोगों को यह बताना है कि यहां पर किसके हाथ में पावर है जो जजेस को ट्रांसफर करने की, मेनली कौन पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया और रशिया के बीच में, जो बोला जा रहा है 30 बिलियन का जो व्यापार होना है ये कब तक करने की बात की जा रही है, कितने में हम लोगों ने S-400 सिस्टम को खरीदने की बात की जा रही है, चाइना के कंपेयर में अगर इंडिया की बात करें तो GDP और डिफेंस में चाइना हमसे कितना गुना है, कितने ज्यादा टाइम से आप लोगों को बताना है। कब इंडिया और रशिया के बीच में जो साइन की गई थी फ्रेंडशिप ट्रीटी ये आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर ये आर्टिकल थ्री ये किसका आर्टिकल थ्री है, जो कि यहां पर बात करता है कि आप लोगों को दूसरी कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनको भी अपनी कंट्री के प्रोडक्ट के जैसे ही ट्रीट करना है, उनके साथ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ये कब स्टेब्लिश की गई थी, मसूरी में। इसी के साथ में जो IAS की ट्रेनिंग के आप बारे में बात करते हैं तो MA की डिग्री दी जाती है, तो ये MA की डिग्री किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन पेरिस क्लाइमेट जो डिग्रेडेशन जो पेरिस समिट ऑन लैंड डिग्रेडेशन में ये कहां पर देखने को मिली ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, ये फिर से आज के में फिर से यहां पर ये जो बेसिक केस आ गया तो ये हम लोगों ने देख लिया, तो ये यहां पर विजय के थिलीरामनी, ठीक है, तो जिनको अभी ट्रांसफर किया गया। आगे बात करते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट जो आप लोगों से बात की जा रही है ये UAE के बारे में पूछा गया था, UAE सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर काम कर रही है हुतई कम्युनिटी को हराने के लिए, जो कि एक शिया कम्युनिटी है। यहां पर बात की जा रही है फ्रांस और जर्मनी वो मिलकर काम कर रहे हैं बेसिकली, खासकर अमेरिका के अपोजिट में यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, तो प्रोजेक्ट सेंटिनल जो यहां पर प्रोजेक्ट सेंटिनल्स जो था यहां पर ये बेसिकली था कि अपने जो जहाज वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, अमेरिका का प्रोजेक्ट इसकी हेल्प करके, पर फ्रांस और जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया। INSTEX के बारे में पूछा था, यह इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, तो ये जर्मनी फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जो है ये बेसिकली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए के सैंक्शन से बचाने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये बात की जा रही है केवडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मेमोरियल है वहां पर कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट मिनिस्टर की होने वाली है, कैसे हम लोग गेम को आगे लेकर चलेंगे। एलन चाउ जो यहां पर जिनकी डेथ हुई थी ये सेंटिनल आइलैंड है यहां पर, यह आप लोग याद रखते हैं, ये बेसिकली क्या है यहां पर ये अंडमान निकोबार वाला एक आइलैंड है। नील थार को यहां पर ये नीलगिरी आईबेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है।
तो ये था आज का डिस्कशन। देखिए अगर आप लोगों को लेक्चर फायदा पहुंचाता है तो इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर या फिर फेसबुक से, दोनों लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर अकाउंट हो तो कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी चीजें शेयर की जाती है जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। बाकी अगर आप लोग ये लेक्चर फायदा पहुंचा रहे हैं तो आप लोग देखिए इससे कुछ सीख रहे हैं तो आप लोग दूसरों को जरूर शेयर कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन, ताकि दूसरों तक आप लोग चीजें अच्छे से पहुंचा सके। तो लेक्चर शेयर कर दीजिए या फिर किसी को पढ़ा दीजिए, आप लोगों के ऊपर है, और अपनी फैमिली को भी बढ़ाइए चीजों को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए, ताकि हमारी फैमिली और ज्यादा बड़ी हो जाए। तो इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो होगी नैनो मैगजीन जो कि इवनिंग में आएगी एग्जैक्ट 7 बजे।